गुड आफ्टरनून। आज की दिनांक है 18 अप्रैल 2020। हमारा जो पहला पाठ है राख की रस्सी होने वाला है, उसमें प्रश्न 3 है जिसमें एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस हुआ है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। वैसे आप लोगों को आता है वो टॉपिक, लेकिन हम फिर से करेंगे ताकि और अच्छे से आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हम देखेंगे अब ये क्या है। कलम, राम, कुर्सी, लड़का, पुस्तक, खुशी, मेज़, होली, गर्मी, सेना, सजावट, मित्रता, सभा, गाय, अपनापन, सोना, भीड़, यमुना। क्या है ये सब चीज़ें? नाम है ये, ये सारी चीज़ों के नाम हैं। राम किसी व्यक्ति का नाम है, कुर्सी वस्तु का नाम है, कलम भी वस्तु का नाम है, खुशी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, भाव का भी नाम है, खुशी होती है हमें। मेज़ वस्तु का नाम है, गर्मी मौसम का नाम है, होली त्यौहार का नाम है, मित्रता भी एक भाव का नाम है, एक अवस्था का नाम है, सभा एक समूह का नाम है, सोना एक मटेरियल या द्रव्य का नाम है, यमुना एक नदी का नाम है, भीड़ फिर से एक समूह का नाम होता है, गाय एक जानवर का नाम है, अपनापन फिर एक भाव का नाम है। तो जो ये सारे शब्द किसी ना किसी के नाम होते हैं, इनको हम कहते हैं संज्ञा, इन्हें कहते हैं हम संज्ञा या नाम बताने वाले शब्द। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये जो सारी चीज़ों के नाम देखे हमने, इसमें व्यक्ति के नाम है, इसमें वस्तु के नाम है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें संज्ञा हैं। संज्ञा यानी नाम बताने वाले शब्द। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के हिंदी में 5 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये 5 भेद होते हैं संज्ञा के। आज हम सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे और उसी पे एक वर्कशीट के द्वारा हम प्रैक्टिस करेंगे। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी मैंने कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। पूर्व दिशा, नई दिल्ली, निधि, अशोक मार्ग, उड़ीसा, भगत सिंह, गंगा, विवेकानंद, भारत, हिंद महासागर, हिमालय, आगरा, सुभाष चंद्र बोस, भारतीय। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? किन्हीं विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम है ये सभी किसी विशेष व्यक्ति स्थान वस्तु या पदार्थ के नाम है। जैसे कि पूर्व दिशा एक विशेष दिशा का नाम है। दिशाएं बहुत सारी होती है, पूर्व दिशा बता दिया तो विशेष पूर्व दिशा के बारे में बात हो रही है। भारतीय, दुनिया भर में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन भारतीय मतलब भारत के लोग हैं वो। नई दिल्ली एक बहुत सारी जगहों में एक जगह का नाम है। निधि बहुत सारे लोगों में एक लड़की का नाम है। बहुत सारे मार्ग में एक मार्ग का नाम है, अशोक मार्ग। भगत सिंह बहुत सारे महापुरुषों में एक महापुरुष है, भगत सिंह। गंगा, नदियाँ बहुत सारी हैं लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं गंगा नदी की, तो विशेषतर हम गंगा की बात कर रहे हैं, गंगा नदी के बारे में बबात कर रहे हैं। हिंद महासागर, 7 महासागर हैं हमारी दुनिया में। हम हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा पदार्थ के नाम का तो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा पदार्थ के नाम को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं दूसरे भेद, संज्ञा के दूसरे भेद की तरफ चलते हैं।
यहाँ पे कुछ और चीजें लिखी हैं, माता, वर्षा, मेज, बैल, पुस्तक, मंत्री, मकान, विद्यालय, घोड़ा, मैदान, कंप्यूटर। ये ऐसी चीजों के नाम लिखे हैं जो किसी एक जाति का बोध कराते हैं, किसी एक वर्ग का बोध कराते हैं। कुछ विशेष नहीं है इन बातों में, इन चीजों में कुछ विशेष नहीं है। माता माता किसी की भी हो सकती है, लेकिन अगर हम कहेंगे राम की माता तो वो विशेष हो जाएगा, वहां वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अभी माता बोला गया है, माता किसी की भी माता हो सकती है। तो ये एक पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, जितनी भी माताएं हैं उनके बारे में बात की जा रही है। विद्यालय, हमें नहीं पता कौन से विद्यालय के बारे में बात की जा रही है। अगर विद्यालय लिखा है तो उसमें सभी विद्यालयों के बारे में लिखा है, यहाँ हो गया जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम डीएम स्कूल के बारे में बात करें, मतलब हम एक विशेष स्कूल, एक विशेष विद्यालय के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब ये है, एक ही जाति का या फिर ऐसे प्राणी, वस्तुओं, स्थानों के नाम का बोध कराएं जिसमें एक ही जैसी वर्ग या जाति के नाम का बोध होता है, उन्हें हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो माता, वर्षा, मेज, बैल, पुस्तक, मंत्री, जब तक इनका विशेष नाम ना बताया जाए तब तक ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जब तक इनके साथ कोई विशेष नाम नहीं जुड़ता ये जातिवाचक संज्ञा है, नाम जुड़ने के बाद ये बन जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए संज्ञा के तीसरे भेद की तरफ चलते हैं, जिसमें कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि गरीबी, सुंदरता, अमीरी, खुशी, मिठास, कुशलता, अच्छाई। ये सारी वो चीजें हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों के नाम जो किसी भाव, स्थिति, गुण, दशा अथवा अवस्था के नाम का बोध कराएं, उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव यानी फीलिंग, स्थिति कोई भी सिचुएशन, गुण किसी की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, बैड क्वालिटी, अच्छी बुरी दोनों क्वालिटी आएगी इसमें। दशा, सरकमस्टेंस या किसी की कोई कंडीशन है, बीमार है, सही है, ये सब। अवस्था, स्टेट या फेज, बुढ़ापा है, बचपन है, ये सारी चीजें आएंगी। तो ये है भाववाचक संज्ञा। उसमें आते हैं ये कुछ उदाहरण, माता, वर्षा, मेज, मकान, जिसमें हम किसी विशेष का नाम नहीं दे रहे हैं, वो सब आता है जातिवाचक संज्ञा में। उसके बाद थर्ड, तीसरा जो भेद है वो है भाववाचक संज्ञा, जिसमें सारे भाव जो हम महसूस करते हैं, जिन्हें हम पकड़ नहीं सकते, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं सिर्फ, उठा नहीं सकते। गरीबी, सुंदरता, मिठास, अमीरी सिर्फ महसूस की जा सकती है। तो कोई भी ऐसे भाव, स्थिति, गुण, दशा अथवा अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये था आज का सारा टॉपिक। आई होप आज जो मैंने क्लास में बताया है वो आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आए तो आप मुझे किसी भी वक्त मैसेज कर सकते हैं, मैं रेडी रहती हूँ कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने को। कक्षा के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।